हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। हाय दोस्तों, मैं बिंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि आप किस तरीके से किसी भी स्टेट का आप रिजल्ट चेक कर सकते हो, वो भी 10वीं का, 12वीं का, जो भी जितने बोर्ड हैं। और अदरवाइज अगर आपको यूनिवर्सिटी का भी चेक करना चाहते हो या अपने कॉलेज का, वो भी आप स्टेट लेवल के हिसाब से आप चेक कर सकते हो। अदरवाइज आपको रोल नंबर नहीं पता, आप नाम से भी चेक कर सकते हो। तो चलिए, मैं सभी स्टेट का तो मैं नहीं बताऊंगा, बाकी मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पे दो तीन स्टेटों को बता देता हूं कि आप किस तरीके से सिर्फ नाम डाल के चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में चलना होगा। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद में आपको सिंपल सा टाइप यहाँ पर करना होगा, इंडिया रिजल्ट। यहाँ पे टाइप करने के बाद में यहाँ पे इंडिया रिजल्ट के ऊपर जो दिख रहा है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक डाल दूँगा। अगर वहाँ से भी आप जाके इसको कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट क्रोम ब्राउज़र में जाके इसको सर्च भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आपको सभी यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट मतलब दे दिए हैं इसमें। आप जैसे कि एपी, मतलब आसाम है, बिहार है, छत्तीसगढ़, दिल्ली है, गोवा है, गुजरात, हरियाणा है, और जैसे अरुणाचल है, मणिपुर है, मेघालय, मिजोरम है, और नागालैंड है, सिक्किम है, त्रिपुरा है। तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश, झारखंड और कर्नाटका, केरला, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, यूपी, तेलंगाना और तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब। तो यहाँ पर सभी स्टेट आ चुके हैं। जैसे कि हम राजस्थान, सबसे पहले हम राजस्थान में जाएंगे। ओके किया, राजस्थान में देखिए ऊपर आ गया बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, इसके ऊपर हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में यहाँ पर देखिए सभी आ चुके हैं। यहाँ पर लिखा है प्रवेश का एग्जाम रिजल्ट 2020। उसके बाद सेकेंडरी ऑफ रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी क्लास 10 का एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम है 2020 को, उसका रिजल्ट चेक कर सकते हो। सीनियर ऑफ रिजल्ट ऑफ सीनियर सेकेंडरी 8 का एग्ज़ाम रिजल्ट चेक कर सकते हो। उसके बाद वरिष्ठ उपाध्याय एग्जामिनेशन रिजल्ट, उसका भी कर सकते हो, ये एक अलग होता है। और रिजल्ट ऑफ सीनियर सेकेंडरी कॉमर्स, उसका भी कर सकते हो आप। और रिजल्ट ऑफ सीनियर सेकेंडरी साइंस का, उसका भी कर सकते हो। उसके बाद नीचे एक और दिया हुआ इन्फॉर्म अबाउट क्लास, मतलब 8 का भी आप कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि अब की बार जो 8 है वो बोर्ड है और नेक्स्ट टाइम जो हट जाएगा। उसके नीचे थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आप यहाँ राजस्थान बोर्ड ऑफ 10th टाइम टेबल भी इसमें आप देख सकते हो, और यहीं से आप राजस्थान बोर्ड ऑफ 12 का भी आप चेक कर सकते हो टाइम टेबल अपने हिसाब से, जैसे आपके एग्जाम होते हैं। तो सभी चीज़ें इस आपको डैशबोर्ड इसी पोर्टल पर ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाते हैं। तो हम सबसे चलते हैं 10 का रिजल्ट चेक करते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए देखिए ऊपर रोल नंबर का एक बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ पर अगर आप रोल नंबर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं तो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करें नीचे नाम डाल लें। नाम डालने के लिए आप कुछ भी डाल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमारे गांव में एक लड़का है, हम उसका नाम टाइप कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए थोड़ा ऊपर देखेंगे और यहाँ पे सभी आ जाएंगे। और यहाँ पे जिस हिसाब से आपको दिखता है कि उसका फादर नेम यहाँ पर दिया हुआ है, रोल नंबर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, नहीं तो लड़के का नाम और उसके पिता का नाम चेक करके फटाफट से आप नाम से सिलेक्ट करें और रिजल्ट को चेक कर लें। देखिए यहाँ पे आ चुका है, अगर कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आता है, ऊपर कट का निशान होता है क्रॉस का, यहाँ से आप इसको कट कर दें। यहाँ पे देखिए रोल नंबर आ गया है, कैंडिडेट का नाम आ गया, फादर नाम आ गया, मदर का नाम आ गया। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये भी डैशबोर्ड आता है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इसको भी आप क्रॉस करके हटा दें। और यहाँ पर देखिए सेंटर का नाम भी आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर गुरमीत सेकेंडरी स्कूल तैसकी नगर भरतपुर, इसका दिया हुआ है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और हम थोड़ा पीछे चलते हैं, और पीछे चलने के बाद में आपको थोड़ा सा और पीछे चलना होगा, और थोड़ा और पीछे चलते हैं। सेम वही प्रोसेस है 12वीं क्लास का, आप प्लस टू का यहाँ पे जाके कोई भी नाम सर्च कर सकते हैं आप। ठीक है, पवन डाल दिया हमने यहाँ पे, पवन डाल के आप सर्च करते हैं। पवन के नाम से जितने भी यहाँ पे नाम होंगे वो सभी आ जाएंगे। तो यहाँ पे अमर सिंह, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये पे देखिए, और इसको क्रॉस करते हैं। यहाँ पे देखिए तहसील रामगढ़, ये बम्बोली अलवर से आ गया है। तो आप अपने हिसाब से फादर नेम सेलेक्ट करके धड़ाक देसी उसका नाम से, और उसके पिता के नाम से, कैंडिडेट के नाम से और उसके पिता के नाम से आप चेक कर सकते हैं उसका रिजल्ट। तो इस तरीके से आप यहां से कर सकते हैं अपने राजस्थान का। अदरवाइज आप दूसरे स्टेट के हो तो दूसरे स्टेट का भी हम बता देते हैं। हम बैक जा रहे हैं, थोड़ा आपको वेट करना होगा। और यहाँ पर देखिए आ चुके हैं, जैसे कि आप हो हरियाणा, तो हरियाणा का हम बता देते हैं आपको। यहाँ पर हरियाणा मिल जाए हमें, ये रहा हरियाणा में जाओगे तो यहाँ पर ऊपर देखिए आ चुका है वो सेम फर्स्ट में चाहिए। जाने के बाद में देखिए यहाँ पे आ चुका है 10th का, और यहाँ पे आप दोबारा से ओके कर दें।
इसमें ये सिस्टम होता है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, अदरवाइज़ कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें सिर्फ आप रोल नंबर से निकाल पाएंगे, अदरवाइज़ इसमें दूसरा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। और ये डैशबोर्ड चेंज करते हैं, यहाँ से आप रोल नंबर डालेंगे। जैसे मान लीजिए व्यक्ति का रोल नंबर है 14,45,020 या 45,221, यहाँ पर कैप्चर फिल करेंगे। कैप्चर जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 43,165, और थोड़ा स्क्रॉल जूम कर लें इसको और सर्च पे कर दें ओके। तो यहाँ पे ये बताएगा कि इनवैलिड, और उसके बाद आप और छोटा कर सकते हैं इसको, इस तरीके से करके सामने से आप 00 भी टाइप कर सकते हैं और सर्च कर दें यहाँ पे। तो यहाँ पे ये रोल नंबर नहीं है, इस तरीके से आप कोई भी, मैंने एग्जांपल बताया, यहाँ पे आप डाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सभी कुछ आ चुका है, और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि सेकेंडरी ओपन स्कूल के जो एग्ज़ाम होते हैं वो भी यहाँ पे दे दिए। तो इस तरीके से आप हरियाणा से कर सकते हैं। हम चलते हैं हम दूसरे स्टेट में, तो हम ले लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे आप पंजाब में चलें, तो जितने भी आपके बोर्ड लगते हैं आप उनको सेम प्रोसेस होता है, और यहाँ पे मैट्रिक बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके देखिए बिल्कुल सेम हुई, यहाँ पे आप कुछ भी डाल दें और नाम डालेंगे और सर्च करें, यहाँ पे देखिए आ चुका है सेम वही, पंजाब में भी सही ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आप चेक कर लें और इस डैशबोर्ड को कट आउट कर दें, और यहाँ पे फिर दोबारा से इसको थोड़ा, रिजल्ट विल बी शोन आफ्टर, यहाँ पे कुछ टाइम चल रहा है, इसके बाद ये शो होने लग जाएगा। तो इसमें यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का पूरा रिजल्ट है, ऊपर रोल नंबर मिल जाएगा आपको, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, नाम मिल जाएगा, उसके बाद उसके पिता का नाम है, फादर, उसका डेट ऑफ बर्थ भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, और उसके बाद स्कूल या डिस्ट्रिक्ट है जो वो भी यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे कैटेगरी भी शो होती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे चेक कर सकते हो, और ये जो होते हैं और जिसके टोटल जो ओवरऑल ग्रेड सी है और पास 335 मार्क्स हैं इसके, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो रिजल्ट को। तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं, और इसे आप प्लस टू का चेक कर सकते हो, एक एक एग्जांपल और बताते हैं, उसके बाद आपको बहुत सारी इन चीज़ों का आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, तो आप इस तरीके से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे हम दोबारा से सर्च कर लेते हैं, और यहाँ पे भी देखिए प्लस टू में भी आप जो भी यहाँ पे हैं, और देखिए सभी कुछ आ जाएगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखिए और ऊपर करेंगे थोड़ा, और यहाँ पे ओवरऑल ग्रेड का सिस्टम, इसमें भी ओवरऑल ग्रेड का सिस्टम दिया हुआ है जो कि 376 मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इस तरीके से बैक कर देते हैं थोड़ा। तो आशा करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को आइकन को प्रेस कर लें। आज के लिए बस इतना, जय हिंद। हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।